हेलो एट क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम स्टोरी करेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में या दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए, दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए। फ्रेंड इन नीड, नीड ज़रूरत को कहते हैं। इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इन डीड दर हकीकत, दर हकीकत दोस्त वो है जो ज़रूरत के वक्त काम आए। Once upon a time, एक मर्तबा का जिक्र है, two friends, दो दोस्त set out रवाना हुए, set off भी आ सकता है, SET, आगे OFF, set off, on a journey, एक सफर पर रवाना हुए। They had promised, उन्होंने वादा किया, promise वादा करना, they had promised to help, मदद करने का each other, एक दूसरे की, उन्होंने एक दूसरे की मदद का वादा किया। ऑन द वे, रस्ते में, दिसा, उन्होंने देखा, सी उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट सा, दिसा अ बेयर, बेयर रीच को कहते हैं, सा अ बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम, अपनी तरफ आते हुए, एक शेर को देखा कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स देम अपनी तरफ, दे वर अफ्रेड, अफ्रेड डर जाना, They were afraid, वो डर गए। One of them, उनमें से एक, climbed up, चढ़ गया, a tall tree, लंबे दरख्त पर, एक दराज कद का लंबा दरख्त था, उस पर चढ़ गया। The other did not know, दूसरा नहीं जानता था, how to climb, कि कैसे चढ़ा जाता है, दरख्त पर कैसे चढ़ा जाता है। He laid down, lie की second form, lay, lain. He lay down, वो लेट गया on the ground, जमीन पर, and held his breath, अपनी सांस रोक ली। The bear fell on him and sniffed him. Reach आया and sniffed him, उसे सूंघा। He took him for the dead, उसने उसे गलती से मुर्दा समझा। He took him for the dead and ran away. चला गया या दौड़ गया। Then the first man, then the first man, पहला आदमी, came down, नीचे आया, from the tree, दरख्त से, वो दोस्त जो दरख्त पे चढ़ गया था, जब रीच चला गया तो वापस आया। He asked him, उसने उसे पूछा, as a joke, मजाक के तौर पर, what the bear had said, कि रीच ने क्या कहा, इन हिज ईयर, उसके कान में। ही रिप्लाइड दैट, रिप्लाई जवाब देना, ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया, द बेयर हैड एडवाइज्ड हिम, कि रीच ने उसे नसीहत की, नॉट टू ट्रस्ट, के एतमाद न करे, अ सेल्फिश पर्सन, खुदगर्ज शख्स पर, सेल्फिश खुदगर्ज। देन फिर स्टार्टेड हिज जर्नी ऑल अलोन, उसने तन तनहा, ऑल अलोन, अपना जो है वो सफ़र शुरू कर दिया, तन तनहा वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव इन द लर्च, फेयर वेदर मतलब ही फ्रेंड्स, दोस्त, लीव छोड़ देते हैं, इन द लर्च मुसीबत में, मतलब ही दोस्त मुसीबत में छोड़ जाते हैं, इसीलिए दोस्त का इंतखाब नहायत सोच समझ के करना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है इसको आपने बार बार पढ़ना है, जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स, उनकी उर्दू ट्रांसलेशन यानी उर्दू मीनिंग अच्छी तरह याद करने हैं, इसे अपनी रफ़ नोटबुक पे लिख लेना है। थैंक यू वेरी मच।